एक दिन रमेश अपनी विदेशी बहू अनामिका को अपने साथ ले आता है। अब जब बेटा पसंद करके बहू लेकर आया है तो माता पिता ने कुछ एतराज नहीं जताया। बस उनकी इतनी सी इच्छा थी कि बहू को घर का काम काज, खाना वाना पकाना आना चाहिए। ये सब देखकर एक दिन रमेश कहता है, माँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप विदेशी बहू अनामिका को देखकर क्या सोच रही है कि उसे घर का काम काज, खाना पकाना ये सब आना चाहिए, है कि नहीं? आप चिंता मत कीजिए, घर का चाबी अनामिका को देखकर आप आराम कर सकती है। ये सब सुनकर फिर प्रसाद शारदा से कहते हैं, दे दो शारदा, हमारा बेटा जब इतने भरोसे के साथ कह रहा है तो हमें भी तो भरोसा करना होगा। उनके कहने पर शारदा बिना कुछ कहे हुए घर की सारी चाबियां विदेशी बहू अनामिका को दे देती है। उन चाबियों को देखकर विदेशी बहू अनामिका कहने लगती है, शारदा आंटी, मैं खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। शादी से पहले हमेशा मेरे पिताजी मेरे पकवान खा के बहुत तारीफ करते थे। शादी के बाद राम भी मेरा खाना खा के बहुत खुश होते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मैं घर अच्छे से संभाल सकती हूँ। ठीक है विदेशी बहू, कल से तुम काम काज में फिर लग जाओ। श्योर आंटी। ऐसा कहकर हॉल से चली जाती है अनामिका। रमेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह विदेशी बहू अनामिका किचन में जाकर बड़े अजीब से सब कुछ देखती है और मनी मन सोचने लगती है, कल तो राम ने माँ जी के सामने इम्प्रेशन जमाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कह दी कि मुझे खाना पकाना अच्छे से आता है, पर असली में तो कुछ नहीं आता। शादी से पहले पिताजी खाना पकाया करते थे, शादी के बाद राम पकाया करते थे, पर यहाँ पे तो राम पकाएंगे नहीं, मुझे ही पकाना होगा। इस तरह सोच के बड़े ताज्जुब होके पूरे किचन को देखने लगी। तभी रमेश ऑफिस जाने के लिए सूट पहन के रेडी होता है और फिर अनामिका के पास आता है। देखता है अनामिका आश्चर्य होके किचन देख रही है। व्हाट डियर, यहाँ क्या कर रही हो? कल तो आपने इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में कह दिया कि मुझे अच्छा खाना पकाने आता है और मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया, अब क्या होगा राम? मुझे पहले से ये सब कुछ पता था अनामिका, इसीलिए ये डायरी दे रहा हूँ। इस डायरी में चाय के दुकान का नंबर, टिफिन वालों का नंबर, मेस वालों का नंबर, बिरयानी दुकान का नंबर सब लिखा हुआ है। एक एक को एक एक दिन फोन कर लेना और एक एक दिन अलग अलग वैरायटी तुम घर बैठे ऑर्डर कर देना और ऑनलाइन पेमेंट कर देना। वाओ, ये तरकीब अच्छी है, बस आंटी और अंकल को लगना चाहिए कि ये सब कुछ घर में पकाया जा रहा है। बहुत सिंपल है अनामिका, घर पे स्टोव में कढ़ाई चढ़ा के उस पे पानी छिड़कते रहना। रमेश की बातें सुनके विदेशी बहू बहुत खुश हो जाती है और जाके रमेश के गालों को चूम लेती है। रमेश भी खुश हो जाता है। फिर रमेश वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस तरह विदेशी बहू अनामिका सुबह के 8 बजे ही दरवाजा सब बंद कर देती थी, फिर 10 बजे तक पूछती थी क्या नाश्ते में खाना है और वही चीज वो ऑर्डर कर दिया करती थी। फिर डाइनिंग टेबल पे अपने सास और ससुर को बैठा के वो नाश्ता करवाती थी। दोपहर में भी वो वही करती थी, वो उनसे पूछती थी कि खाने में क्या चाहिए, फिर वही चीज वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती थी, फिर दोनों को आराम से बैठा के खाना खिलाती थी। शारदा को कभी कभी संदेह होता था, पर प्रसाद डांट देते थे तो शारदा भी चुप हो जाती थी। फिर एक दिन दोपहर के वक्त बहुत भूख लगी थी, शारदा और प्रसाद एक दूसरे का दुखी होकर चेहरा देख रहे थे। तभी प्रसाद शारदा से कहने लगते हैं, अरे शारदा, मुझे बहुत भूख लगी है, इतने दिनों तक बहू पे हमने भरोसा किया, पर आज तो लग रहा है भूखे ही रहना होगा, तुम जाके खाना पकाओ। आप एक बार किचन देखकर आके कहिए। शारदा के कहने पे प्रसाद उठ के जाते हैं किचन देखने के लिए, वहाँ पे ताला लटका हुआ था। लेकिन शारदा, अनामिका ने किचन के दरवाजे पे क्यों ताला लगाया है? मुझे कैसे पता होगा, बताइए। जब वो ये चर्चा कर ही रहे थे तभी विदेशी बहू उनके पास आकर कहने लगती है, सॉरी आंटी, अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ, बताइए आप लोग क्या खाएंगे? ऑर्डर कर दोगी? नहीं 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 माँ जी, मैं पकाऊंगी, आप क्या खाएंगी? फिर प्रसाद और शारदा जो खाना चाहती थी वो सब कुछ उसे बता दिया। अनामिका किचन में आके दरवाजा बंद कर लेती है और फिर खाना ऑर्डर कर देती है। अब तक की सास ससुर को संदेह ना हो इसीलिए स्टोव पे कढ़ाई चढ़ा के उस पे पानी छिड़कने लगती है। जब शारदा और प्रसाद को किचन से स्टोव की आवाज आती है तो वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ, बहू अच्छा खाना पका रही होगी।
इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रशांत अखबार में एक एड देखते हैं कुकिंग कॉम्पिटिशन का। वो बात वो शारदा को जाके बताते हैं। शारदा उस अखबार को अनामिका के पास ले जाती है और उसका एड अनामिका को दिखाती है। विदेशी बहू, कैसे भी तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। तुम्हारे पकवान हर कोई खा सके तभी तो तारीफ होगी और प्राइज का पैसा भी तुम्हें मिलेगा। शारदा की बातें सुन के अनामिका तनाव में आ गई। बार बार कहने पर अनामिका भी तैयार हो गई। अब चूंकि कोई और चारा ही नहीं था, इसलिए अनामिका एक दिन पहले यूट्यूब में कुकिंग वीडियोस देखने लगी। ये देखकर शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों बड़े खुश हुए। फिर अगले दिन ही कॉम्पिटिशन था। विदेशी बहू अनामिका कॉम्पिटिशन में भाग लेती है। पूरे कॉम्पिटिशन का बंदोबस्त एक टेंट के नीचे किया जाता है। वहाँ वीरू माइक लेके कहते हैं। उसके साथ साथ प्रोग्राम की गेस्ट माधवी और सरपंच जी सुधाकर भी स्टेज पर थे। फिर विदेशी बहू, जिसे बिल्कुल खाना पकाना नहीं आता था, और बहुत ही अच्छा खाना पकाने वाली सुशीला, दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। बाकी लोगों के साथ साथ शारदा, प्रसाद और रमेश भी तालियां बजाकर प्रोत्साहन देते हैं। सुशीला वहाँ पे फटाफट काम कर रही थी, वही अनामिका आश्चर्य होके बस देख रही थी। यूट्यूब में देखा एक भी पकवान उसे याद ही नहीं था। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसीलिए वहाँ पे रखे सारे सब्जियों को काट के एक बड़े से बर्तन में रख के स्टोव पे चढ़ा देती है। उस पे पानी डालती है और साथ ही नमक डाल देती है। समय निकलने लगता है। फिर गेस्ट माधवी और सरपंच सुधाकर जी सुशीला और अनामिका के पकवान चखने के लिए आते हैं। सुशीला का पकवान खाकर वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर वो आते हैं विदेशी बहू अनामिका का पकवान खाने के लिए। चखने के साथ साथ ही उनके आँख, नाक, कान सबसे धुआं निकलने लगता है, मानो वो वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। ये देखकर अनामिका मनी मन सोचने लगती है, बाप रे, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं होगा। अनामिका वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश भी उसके पीछे पीछे अनामिका अनामिका चिल्ला चिल्ला कर वो भी भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग घर पहुँचते हैं। फिर अनामिका अपना दोनों हाथ जोड़ के कहने लगती है, माँ जी, मुझे खाना पकाना नहीं आता। इतने दिनों से मैं होटल से मंगवा के आप लोगों को खिलाती थी, माफ कर दीजिए। बहू ने ईमानदारी दिखा के गलती स्वीकार कर लिया। ये देखकर शारदा बहुत खुश हुई और उसे खाना पकाना सिखाने लगी। फिर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। SNR फंक्शन हॉल के सामने गेट में एक बड़े से बोर्ड में अनामिका वर्सेस रमेश बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। अनामिका की शादी में जो भी आमंत्रित थे, वो फोटो को देखकर यही सोच रहे थे कि दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है, और अंदर चले जा रहे थे। हॉल के अंदर बहुत ही अच्छा और मजेदार माहौल बना हुआ था। दुल्हन के कमरे में अनामिका दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके सामने तरह तरह के पकवान रखे हुए थे जो वो जल्दी जल्दी से खा रही थी। उसकी दोस्त मौनी, वेदा उसे इस तरह खाते हुए बड़ा आश्चर्य होकर देख रही थी। हड़बड़ा के खाना खाने के दौरान अनामिका को अब हिचकी आने लगती है। उस आवाज से मौनी और वेदा को होश आता है और कहती है, वेदा, उसे हिचकी आ रही है, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पानी का बॉटल है, ले आओ ना। ऐसे कहने पे वेदा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ पानी का बोतल लेकर आकर अनामिका को देती है। अनामिका पानी का बोतल छीन के पीने लगती है और मौनी को देकर फिर से वो खाना खाने लग जाती है। अनामिका, आज तुम्हारी शादी है और तुम इस तरह से खाना खा रही हो, स्टेज पे चढ़ के अगर कुछ दिक्कत आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो तुम कहना क्या चाहती हो, जब वो इसके गले में मंगलसूत्र डालेगा कहीं इसका पेट खराब ना हो जाए? मैं कहना चाह रही हूँ, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छा नहीं दिखेगा, सभी लोग देखेंगे और हंसेंगे, ओल झोल बातें करने लगेंगे। सोचो मत, उसे खाने का मन हो रहा है तो खाने दो, जाने का मन होगा तो वो जाएगी। इस मामले में उसी की मर्जी है, अब जिसका पेट वही समझे। इस तरह अनामिका की सहेलियां मौनी और वेदा बातचीत कर रही थी, पर बिना किसी फर्क के अनामिका बस खाई जा रही थी मजे लेकर। उधर दूल्हे के कमरे में रमेश अपने दोस्तों के साथ था। श्रीकांत और चंदू वो दोनों बातचीत कर रहे थे। अरे रमेश, दुल्हन के बारे में अच्छे से पूछ लिया ना? अरे यही कि उसकी पसंद और नापसंद क्या क्या है। लगता है उसे पुराने मेलेडी गाने बहुत पसंद है, पहले सावित्री और अभी लता मुकेश। वैसे उसने बहुत कुछ और भी बताया था पर मैंने ठीक से सुना नहीं। कैसे सुनोगे जब वो कहती है तुम मोतिया चुनने में ही लगे रहते हो, है कि नहीं? ऐसा कह के दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर रमेश का मुंह बन जाता है। एक बार तुम लोगों की भी शादी होने दो,
फिर तुम लोग भी जाकर मोतियों के साथ साथ पत्थर भी चुन लोगे। दुल्हन के कपड़ों में लड़कियां इतनी सुंदर दिखती है ना कि जादू ही हो जाता है। अरे तुम अब ऐसी बातें करोगे? वाह वाह, अब तो हमारा दोस्त कवि बन चुका है। कल तक लगता था यह सॉफ्टवेयर का रमेश है, पर शादी होने से पहले ये तो कवि बन गया। फिर कविता भी हो जाए रमेश जी। ऐसा कहकर चंदू और श्रीकांत हंसने लगते हैं। तभी उनके कमरे में रमेश के पिताजी प्रसाद आते हैं। आकर देखते हैं रमेश और उसके दोस्त हंस रहे हैं। मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे हो? बेटा रमेश, चलो पंडित जी बुला रहे हैं। ऐसा कहकर प्रसाद रमेश को साथ लेके शादी के मंडप तक जाते हैं। वहाँ शादी के मंडप पे बैठ के पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। वो रमेश को देखकर, वर जी आखिरी बार के लिए अपने कमरे में हंस लिए ना। उनकी बातें सुनके रमेश को कुछ समझ में नहीं आता। ये देखकर श्रीकांत, चंदू, प्रसाद और पंडित जी सभी हंसने लगते हैं। अरे पंडित जी, मेरे बेटे को मत डराइए, उसे थोड़ा सा मुस्कुराने दीजिए। आप शादी कराइए तो। हाँ हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं था कि आप यहीं पे हैं। ये सुनकर जो लोग शादी में आए थे वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो अब देर न करके वधू को भी जल्दी ले आइए। पंडित जी की बातें सुनके वधू की माँ अनुपमा बहुत खुश होती है और बेटी के कमरे में जाती है। वहाँ अनामिका को खाते देख वो बड़ा आश्चर्य होती है। अरे अनामिका, ये कैसे खा रही हो? तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि शादी के दिन मत खाना। अरे तुम दुल्हन हो दुल्हन, पिछले 3 दिनों से खा रही हो, वो कम नहीं था क्या? अब ऑनलाइन ऑर्डर करके ये सब जंक फूड खा रही हो? क्या कहा, ये पिछले 3 दिनों से नॉन स्टॉप खाना खा रही है? फिर तो जाके देखना ही होगा कि कौन है वो जो उस भुक्कर से शादी करने जा रहा है। चलो पंडित जी बुला रहे हैं। बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दो, जब भी गैप मिलेगा मैं भाग के आऊंगी और खा के जाऊंगी। ऐसा कहकर अपनी माँ अनुपमा के साथ हाथ में नारियल लिए वो मंडप में पहुँचती है। फिर जाके शादी की पीढ़ी पर बैठ जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वर रमेश और वधू अनामिका दोनों अपना अपना हाथ जोड़ते हैं। फिर आग के सामने दोनों प्रणाम करते हैं। जो मंत्र पढ़ूंगा उसी को आप लोग दोहराइए, उन्होंने ऐसा कहा। और इधर अनामिका का पेट गड़बड़ होना शुरू कर दिया। अपने पेट से उसे एक अजीब सा आवाज सुनने को मिलता है। अब उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पंडित जी एक मिनट। हाँ, पंडित जी का कुछ जवाब बिना सुने ही वो भागते हुए बाथरूम की तरफ जाती है। शर्म के मारे सब अपना सर झुका लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आराम से रिलैक्स होके वो बाथरूम से शादी के मंडप में वापस आती है। दोनों अपना नाम बताओ। उनके कहने पे रमेश अनामिका अपना अपना नाम बताते हैं। पंडित जी अब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अनामिका का पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगता है। फिर मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी को देखकर, पंडित जी एक मिनट। ये सुनकर पंडित जी अपना मंत्र पढ़ना वहीं रोक देते हैं। फिर देर किए बिना अनामिका भागते भागते बाथरूम की तरफ जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका बाथरूम से थकावट के हालत में आकर फिर से अपने शादी के मंडप में बैठती है। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ दोनों उसी को दोहराओ। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उसी के साथ रमेश और अनामिका उसे दोहराने लगते हैं। अब पंडित जी जब दूसरा मंत्र पढ़ने जा ही रहे थे, तभी अनामिका का फिर से पेट गुड़गुड़ करने लगता है। मुझे माफ कर दीजिएगा पंडित जी। शादी के मंडप से भागते हुए अनामिका बाथरूम चली जाती है। जो लोग शादी में आमंत्रित थे वो कहने लगे कि शायद वधू को लूज मोशन हो गया है, इसीलिए वो हर एक मिनट में बाथरूम की तरफ भाग रही है। और इस तरह कहकर वो हंसी मजाक करने लगे। उनकी ऐसी बातें सुनके अनामिका के माता पिता अनुपमा और रमन शर्मिंदगी के मारे अपना सर झुका लेते हैं। अनुपमा अनामिका के पीछे पीछे बाथरूम तक आती है। अब अनामिका और थक हार के बाथरूम से बाहर निकलती है। उसे देखकर, अपनी भुक्कड़ आदत की वजह से तुम खुद ही अपनी शादी रोक रही हो, चलो जल्दी। ऐसा कह के अनामिका को खींच के लाके फिर से शादी की पीढ़ी पे बिठा देती है। अब रमेश मंगलसूत्र अनामिका के गले में डालने ही वाला था कि अनामिका बिना कुछ कहे भागते हुए फिर से बाथरूम चली गई। सिर्फ रमेश ही नहीं, रमेश के साथ और भी जितने लोग आए थे सभी लोग शर्म के मारे सर झुका लेते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।